भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में 75 प्रांतों में शामिल बदायूं जिला, जो राज्य का मुख्य ऐतिहासिक जिला है, यह जिला अपने व्यापारिक केंद्र और प्रसिद्ध धार्मिक रूप से सूफी संतों की तपोभूमि रहा है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बदायूं शहर में स्थित है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित वर्मा फिर से हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बदायूं जिले से जुड़ी हुई ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपको ना पता हो, जिससे वीडियो में अंत तक बने रहें। बदायूं जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तरी हिस्से में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। जिले की सीमाएं उत्तर में मुरादाबाद जिला, दक्षिण में कासगंज जिला, पूर्व में शाहजहांपुर और पश्चिम में बुलंदशहर जैसे जिलों से इस जिले की सीमाएं लगती हैं। बदायूं जिला राज्य की राजधानी लखनऊ से 263 किलोमीटर, वहीं देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बदायूं जिला 4,234 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जिले की कुल आबादी की बात करें तो जिले में सन 2020 के आंकड़ों के अनुसार, जिसमें पुरुषों की कुल आबादी 33,14,260 है, वहीं महिलाओं की कुल आबादी 30,20,332 है। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जिले में 77.89% हिंदू, 21.47% मुसलमान, 0.27% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। बदायूं जिले की कुल साक्षरता दर 51.29% है, जिससे यहां की कुल आबादी का लगभग 55% हिस्सा शिक्षित है। बात करें जिले के इतिहास की तो बदायूं जिले का संबंध महाभारत काल से है। इसे प्राचीन काल में वेद मऊ और बौद्ध काल में यह जिला बुद्ध मऊ के नाम से जाना जाता था। शहर के नजदीकी मिले हुए एक शिला लेख से यह पता चलता है कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में यह वोदा मयूता के नाम से प्रसिद्ध था, जो वर्तमान समय में अपभ्रंश के कारण इस जिले का नाम बदायूं हो गया। बदायूं जिले की स्थापना 11 दिसंबर 1949 को हुई थी। बदायूं जिले में वर्तमान समय में 5 तहसीलें हैं। बदायूं सदर, बिसौली, बिलसी, दातागंज, सहसवान हैं। जिले में 19 पुलिस स्टेशन व 15 ब्लॉक हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 1069 है और कुल गांवों की संख्या 1782 है। यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से अवधी भाषा व शहरी क्षेत्रों में खड़ी भाषा बोली जाती है। बदायूं जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, मछली पालन और उद्योगों पर निर्भर है। कृषि जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, धान, मक्का, गन्ना और बाजरा हैं, जो उच्च स्तर पर उगाई जाती हैं। पशुपालन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भैंस, बकरी, भेड़ जैसे अन्य पशु पाले जाते हैं। मछली पालन जिले के बड़े बड़े तालाबों व नदियों से मछलियों का उत्पादन किया जाता है। बदायूं जिले के मुख्य उद्योग मेंथा तेल निकालने की औद्योगिक इकाई, फर्नीचर उद्योग, केमिकल उद्योग और जरी जरदोजी उद्योग, जो यहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से रोजगार उपलब्ध कराते हैं। बदायूं जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो यह जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। इखलास खान का रोजा, इस मुगल कालीन मकबरे का निर्माण नवाब इखलास के बेगम ने अपने सोहर की स्मृति के रूप में 1690 में करवाया था। यह मकबरा इस जिले का मुख्य पर्यटन स्थल है। गौरी शंकर मंदिर, यह मंदिर जिले का मुख्य दार्शनिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान शिव रसलिंग के रूप में स्थापित हैं, जो भारत के मात्र 2 ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर भगवान शिव का रसलिंग के रूप में स्थापित है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।